तो हम भिन्न पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? भिन्न पर जो सवाल बन रहे, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, भिन्न के बेसिक चीजें, भिन्न को जोड़ना, भिन्न को घटाना, ये हमने सीख लिया था। आज हम आगे पढ़ते हैं भिन्न के और कौन कौन से क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने के, जिनकी संभावना रहती है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है अपने को, एक सही दो बटे तीन, क्या लिखा है? एक सही दो बटे तीन प्लस दो सही दो बटे तीन। पहले कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न, क्या कहते हैं इसको, है ना? एक सही दो बटे तीन और दो सही दो बटे तीन को हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, तीन और एक का क्या करना है? तीन और एक का गुणा करना है। क्या करना है? तो क्या होगा, तीन एकम और फिर दो जोड़ना है। क्या बनेगा? तीन एकम तीन और दो, ये बना पांच। क्या बना? बटन फिर कौन रहेगा? तीन ही रहेगा। बीच में क्या निशान है? प्लस का। इसको हल करो, तीन दून और दो का क्या करना है? जोड़ना है। तीन दून छह और दो आठ, बटे में कितना? तीन। अब इसको जोड़ना है तो कुछ यहां सरल चीज लग रही है आपको? क्या चीज है जोड़ने पर, क्या डायरेक्ट हो सकता है? क्यों होगा डायरेक्ट? इनके हर समान है तो केवल क्या लिख दो? तीन। और ऊपर क्या लिख दो? ऐसा कैसा? पांच प्लस आठ, यानी कि उत्तर क्या आएगा इसका? इसका उत्तर क्या आएगा? तेरह बटे तीन। क्या समझ में आई बात? ये सरल था ना, इस मिश्र भिन्न को हमने हल करना पहले सीखा था, अभी समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। क्या करेंगे? तीन एकम प्लस दो, कितना हो जाएगा? तीन एकम तीन और दो पांच। यहाँ कितना? तीन दून पहले गुणा करना और ऊपर वाले को जोड़ना है। क्लियर है ना? तीन दून और दो आठ, आठ बटा तीन, आठ बटे तीन और पांच बटे तीन जोड़ा तो क्या आया था हमारा? तेरह बटे तीन। क्या आप कर सकते हैं ना क्वेश्चन को हल? ये समझ में आया ना? ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। मैंने दिया है दो सही तीन बटे पांच प्लस तीन सही दो बटे पांच, इसको आप हल करके इसका जवाब क्वेश्चन नंबर एक डालेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जब भी कोई वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठे और चीजों को साथ साथ हल करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी काम होगा, केवल देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दो सही तीन बटे पांच प्लस तीन सही दो बटे पांच का क्या हल मिलेगा आपको, जोड़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप रोक दें और रोकने के बाद इसको आप हल करें। दो सही तीन बटे पांच प्लस तीन सही दो बटे पांच, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक है। अब जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, तीन सही दो बटे तीन, क्या लिखा है? तीन सही दो बटे तीन, उसके बाद इसमें प्लस करना एक सही दो बटे पांच। क्या प्लस करना? एक सही दो बटे पांच। अब कैसे करेंगे? देखो, फिर से मैं समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए सभी लोग। तीन से क्या करेंगे? तीन में क्या करेंगे? यहां तीन का गुणा तीन में, तीन तिया कितना होगा? नौ। और दो क्या करना पड़ेगा? तो तीन तिया नौ और दो, यहां से जाने पर गुणा और यहां से जाने में जोड़ना है। तीन तिया नौ, नौ और दो बटे में कितना लिख दूं? तीन। यहां प्लस का निशान है, बताइए यहां से जाने में क्या करना पड़ता है? गुणा, पांच एकम और प्लस कितना कर दो? कितना हो जाएगा बटे में कितना? क्या हर समान है? नहीं है। हर समान नहीं होने पर, मैंने आपको सिखाया था कि दो में तो क्रॉस गुणा सिखाया था, लेकिन एक और परिमेय संख्या आने पर एलसीएम लेना सिखाया था ना। अभी तीन और पांच का एलसीएम कितना होगा? तीन और पांच का एलसीएम कितना आया? पंद्रह। ये तो हम बेसिक वीडियो में सीख चुके हैं, तीन और पांच का एलसीएम कितना आया? पंद्रह। अब इस तीन की बात कराइए पांच से, कितनी बार में? तीन पंजे पंद्रह। तो यहाँ ऊपर किसका गुणा करना पड़ेगा आपको? पंजे मतलब पांच। यहाँ देखिए आप, कितना? पांच के पहाड़ को बोलिए आप, पांच तिया, तो यहाँ कितने गुणा करना आपको? यानी कि ग्यारह का गुणा पांच में करेंगे कितना बनेगा? सात का गुणा तीन में करेंगे कितना बनेगा? इक्कीस। सात तिया इक्कीस, पचपन और इक्कीस को जोड़ दो आप, कितना बनेगा? पांच और एक छह, ठीक है, पांच और दो सात, सेवेंटी सिक्स अपॉन फाइव, ये तीन से कट जाएगा वैसे। ठीक है, तो अभी आपका फिलहाल समझ में आया उत्तर? ये इसमें हर समान नहीं था, तो क्या लेना पड़ा आपको? एलसीएम। क्या लेना पड़ा? एलसीएम लेना पड़ा। ठीक है, क्या समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो तीन और पांच, इसका एलसीएम आया पंद्रह,
तीन पंजे 15, तो ऊपर वाले को कितने से गुणा करना, 5 से। यहाँ अगर आगे लिखना हो 5 से 15 की बात करी, 5 तिया 15, तो ऊपर वाले को कितनी बार लिखना, 3 गुना लिखना, 7 तिया 21। इसको जोड़ने पर 76/15 आया। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अब कर लेंगे हर समान नहीं होने पर भी। चलिए, हाँ ये 3 से नहीं कटे, लेकिन 76/ कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, जिससे भी कटे उसे काट देना और ये अपना काम ले। वैसे हालांकि नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया ना आपको? तो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, क्योंकि ये सारी चीजें हमने बेसिक वीडियो में देख रही। यदि आपने नहीं देखे हो भाग, तो पहले आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देखें। क्या लिखा, 1 सही 2/3। क्या लिखा है, 1 सही 2/3 प्लस 2 सही 1/2। क्योंकि इनमें हर क्या है, अलग अलग है। तो आप इसको एलसीएम लेकर इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करेंगे और उसका जवाब देंगे कि इसका उत्तर क्या आया। ठीक है, चलिए, तो आपके जवाब का मैं वेट कर रहा हूं। 1 सही 2/3 प्लस 2 सही 1/2। ठीक है, चलिए, देखो मैंने लिखा 3 सही 1/5। क्या लिखा है, 3 सही प्लस 2 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/3। तो आप क्या करेंगे, पहले मिश्र भिन्न को हल करेंगे। तो 3 5 कितना हो रहा है, गुणा करना है ना, अभी सिखाया ना मैंने, 3 5 15, इसमें जोड़ना कितना, 1। क्या बना ये, 16 बटे में कितना, 5। यहाँ प्लस का निशान, बताइए क्या होगा, 2 2 9 और यहाँ पर 1, कितना होगा, 4 ने 5 बटे में कितना, 2 माइनस क्या होगा, 3 एकम 3 फिर 4 बटे में, आप बताइए संख्या अलग है, 5 2 और 3 अलग संख्या है, सभी अलग अलग है ना, तो इनका एलसीएम 3 2 6 6 5 30 कितना एलसीएम होगा। आप इसको बताया ना एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप क्या करेंगे, 5 2 और 3 का इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एलसीएम निकल जाएगा ना, कितना आएगा, 30। कितना आएगा, तो मैंने यहां लिखा 30, अभी यहां दिक्कत आ रही थी, इसको भी मैं हल कर देता हूं। ठीक है, आप इधर ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या लिखा मैंने, लघुतम कितना आया, 30। कितना आया, 30। अब देखिए आप बात करेंगे 5 की 30 से, बोलिए 5 6 30 कितना आया, 5 6 30 तो 16 6 कितना होता है, बताइए आप 16 का गुणा 6 में करना कितना आएगा। तो ये लिखा, देखो एक बार और देख लो, 5 से बात करे थे कितनी बार में, 5 6 30 मेरा हाथ देखना, 5 6 30 तो 16 6 कितना लिख दो डायरेक्ट, आप कितना, 96 प्लस, आप 2 की बात कराओ, 2 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में, कितनी बार में, 2 से 15 बार में 30 आ जाएगा ना, उसी प्रकार 5 15 बार में कितनी बार आएगा, 15 5 75, क्योंकि सवाल तो करने पड़ेंगे ना। ठीक है, अब 3 की बात 30 से कराए, कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, कितनी बार में, 4 10 बार में कितनी बार जाएगा, क्या आएगा, 40। क्या समझ आई बात, ठीक है ना, तो 5 6 30 तो 16 6 96, 2 से जाएगा 30 कितनी बार में, 15 बार में, अगर 2 से हम 30 में भाग लगाते हैं ना, तो 30 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 15 बार, तो 5 का गुणा 15 बार करोगे तो कितना आएगा, 75। 3 का 30 में कितनी बार में, 10 बार में, है ना, अगर आप 3 से 30 को काटोगे 10 बार में कट जाएगा ना, उसी प्रकार 4 से 10 बार में कितने आया, 40। ये दोनों जुड़ेंगे और माइनस क्या होगा, 40। क्या होगा, अभी आप जोड़ के माइनस करो कितना आएगा, 96 प्लस 75 माइनस 40 और कितना का बटे में कितना है, 30 है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, मतलब पहले जुड़ेंगे है ना, 5 और 6 कितना, ये कितना उत्तर आया आपके, 171 माइनस कितना करना है, 40 बटे में कौन है, 30। बताइए 171 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 131 बटे में कौन, तो क्वेश्चन तो बड़ी संख्या वाले मिलेंगे, इसलिए अपने को हल करना आना चाहिए। ठीक, क्या समझ में आया क्वेश्चन, देखिए कैसे करा, कि 3 के पहाड़े में 30 आता है ना, तो 3 धाम 30, 3 धाम 30 होता है ना, तो 3 धाम 30 बोले ना, तो 4 के साथ भी क्या बोल दो, 4 धाम 40, मतलब 3 का गुणा 10 टाइम करेंगे ना, तो 30 आएगा, 4 का गुणा भी 10 टाइम करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा 20 तक याद है आपको, 2 धाम 20 आता ना, लेकिन ये 30 तक है, तो समझ जाना कि 30 में 2 का भाग लगा दो कितना आएगा, 15, ऊपर भी किसे गुणा कर दो, 15 का। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, चलिए
तो ये क्वेश्चन नंबर तीन लिख दिया मैंने आपके लिए, तीन सही एक बटे दो प्लस दो सही एक बटे तीन माइनस एक सही एक बटे दो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को हल करें, क्वेश्चन नंबर तीन है, कमेंट बॉक्स में इसको क्वेश्चन नंबर तीन डाल के आपको इसका मुझे हल बताना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या रहा, जवाब क्या रहा, ये मुझे बताएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन लिखा मैंने दो सही एक बटे दो, गुणे का निशान लगाया है, तीन सही एक बटे तीन, गुणा लगाया चार सही एक बटे चार, किसके बराबर है, और चार ऑप्शन दिए आपको। ऑप्शन नंबर ए नौ सही एक बटे चौबीस, ऑप्शन नंबर बी चौबीस सही एक बटे चार, ऑप्शन नंबर सी उन्तीस सही एक बटे चौबीस, और डी नंबर लिखा मैंने पैंतीस सही पांच बटे बारह। तो आप इसको हल करेंगे, ये गुणे का सवाल है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं है, इसमें क्या है, गुणा है, तो हमने ये सीख रखा है ना, तो ये जवाब आपके लिए क्वेश्चन नंबर चार डालेंगे, इसको आप हल करेंगे तो जवाब दीजिए आप इसका क्या जवाब आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर चार डालेंगे और आप नौ सही एक बटे चौबीस लिखा है, और बी नंबर पे चौबीस सही एक बटे चार है, सी नंबर पर है आपका उनतीस सही एक बटे चौबीस, और डी पर पैंतीस सही पांच बटे बारह, इन चारों में से एक उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार डाल के आप एबीसीडी ऑप्शन लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा आपका जो उत्तर है वो सही है या गलत है। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो प्ले स्टोर पर जाकर मेरा ऐप है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, वहां मैंने फ्री टेस्ट बना रखे हैं, बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना रखे हैं, पुराने जो पेपर आए हैं 10-12 साल के उनको भी मैंने हल कर रखा है, आप उस ऐप्स को डाउनलोड करें जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। चलिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये 25/4 क्या लिखा है, 25/4, अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, 25/4 नहीं कट रहा, तो हमें क्या करना है, 25 में किसका भाग लगाना है, चार का भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है, 25 में चार का, तो ये लिखा है मैंने 25/4, तो आपने लिखा 25 और भाग किसके लगाया, तो बताइए अब क्या आएगा, चार के पहाड़े में कहां तक जाएगा, ये चार छंग कितना बचा, अब इसको कैसे लिखना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये चार तो आपका है सही बटे में है ना, चार दिख रहा ना चार, तो आप बटे में चार लिख दो, चार के बाद आपको यहां जाना छह के पास, ध्यान दो ये चार लिख दिया ना, ये चार यहां दिख रहा है ना, चार के बाद कहां जाना है, छह के पास, छह यहां आएगा, उसके बाद वापस आपको कहां जाना है, नीचे, तो ये क्या बनेगा, देखिए इसको खोलिए, छह चौक नेक वापस क्या बन गया, 25/4, मतलब ये इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो इस प्रकार से आप हल कर लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। कैसे समझ आया, देखिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने लिखा यहां पर 35 लिखा है, क्या लिखा है, 35/8, क्या लिखा है, 35/8, तो मतलब क्या करना है, 35 में किसका भाग लगाना है, तो बोलिए 8 के पहाड़े को बोलिए, 8 चौक कितना बचा, अब देखो बटे में कौन है पहले से, यहां से समझ में आ रहा ना 8, अब आपको 8 यहां कहां दिख रहा, भाग में यहां दिख रहा, 8 के बाद जाना कहां है, 4, 4 किधर लिखूंगा, सही में यहां, और क्या बच रहा है, शेषफल, अब इसको पढ़िए आप, 4 सही 3/8, इसको वापस हल करो तो 4 8 32 और 3 35/8, क्या समझ में आया ना, इस प्रकार, तो यहां से हर तो वही रहता, 8 की जगह मैंने 8 लिखा, 8 के बाद किसको लिखा मैंने, भागफल को, उसके बाद किसको लिखा, शेषफल को, ऐसा समझ आया ना, पहले 8 को लिखा, 8 के बाद 4, 4 के बाद 3 को लिखा, यहां 8 के बाद किसको लिखा, 4 को, और 4 के बाद 3 को, क्या समझ में आया, ठीक है। अब देखिए मैंने ऐसा लिखा है 2 सही 1/3, क्या लिखा है, 2 सही 1/3, कौन सा निशान लगाया, भाग का, 1 सही 1/2, इसको हल करो क्या बनेगा, ये 3 2 9 और जोड़ना कितना, 1, कितना अपना 7/3, भाग का निशान लगाया, 2 एकम 2 और 1 3/2, अब बताइए मैंने आपको क्या सिखाया था, भाग में क्या करना था, यहां भाग की जगह क्या करना था, गुणा करना था, 7/3 क्या लगा दो, गुणा, और क्या कर दो, 2 3/2 था ना, इसको उल्टा कर दो, हर ऊपर अंश नीचे, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा, 3, ऐसा आया क्या, ऐसा आएगा ना, 2 एकम 2 और 1
तीन, तीन बेटा दो था ना, इस तीन बेटा दो उल्टा करेंगे क्या आएगा, ऐसा बनेगा। बताइए सात दूनी कितना आएगा, ये गुणे में तो गुणा ही करना पड़ता ना, कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। सात दून 14 बटे में तीन दिया 9, ऐसा उत्तर आना चाहिए 14/9। क्या समझ आया आपको? तीन दूने छह ने एक सात, सात बटे तीन, दो एकम दो और एक तीन, तीन बटे दो। यहां भाग के लिए क्या लगा दो, गुणा, और इसको क्या कर दो, उलट गुणित, है ना, दो ऊपर तीन नीचे, यही होगा ना। सात दून 14 और तीन दिया 9, ठीक है। तो मैंने पांचवा क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, तीन सही एक बटे तीन। क्या लिखा है? तीन सही एक बटे तीन, भाग का निशान लगाया, एक सही एक बटे दो, ठीक। इसको हल कीजिए आप, इसको हल करके आप जवाब दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, तीन सही एक बटे तीन, भाग का निशान लगाया, एक सही एक बटे दो। अब मैंने लिखा है 12/60 का सरलतम रूप क्या होगा। 12/60 लिखा ना, इसका सरलतम रूप 6/10 होगा, 4/20 होगा, 1/5 होगा, या 2/10 होगा, क्या होगा, क्या करना है, पता चल रहा है आपको क्या करना है? अरे 12/60 का सरलतम रूप पूछा है तो क्या करना पता है आपको? नहीं पता है। तो मतलब इसको काट दो आप, 21 संख्या से कट सकता हूं, और जवाब क्या आएगा? 6/10 आएगा, 4/20 आएगा, 1/5 आएगा, 2/10 आएगा। 1/5 बिल्कुल सही है, 1/5 बिल्कुल, है ना। तो बताइए सबसे पहले आपने किससे काटा? पहली बात तो ये कि संख्या से काटो, 12 एकम 12, 12 पाड़े में 60 कहां आता है? 12 पंजे 60, 1/5 क्या आया? 1/5। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता इसका। अब मान लो किसी ने बोला कि सर मैंने 6 से काटा, मान लो 2 से काटा, 2 से 12 और 2 से काटा, तो ये ऐसा कुछ नहीं। तो या फिर किसी ने बोला मैंने 6 से काटा, 6 दूने 12, 6 दाम 60, 2/10, तो इससे इसका ये तो और भी जाएगा ना, अभी 1/5 इसका भी आएगा, क्या आएगा, समझ रहे कैसे? देखो मान लो किसी ने बोला कि 12/60 को मैंने 6 से काट दिया, सब किससे, 12/60 को 6 × 12, 6 × 7, कि सर मेरा 2/10 आ रहा, तो अभी और कटेगा ना, अभी तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। मान लो किसी ने बोला कि मैंने 3 से काटा, क्या बोल दिया किसी ने, 3 से, है ना, मैंने लिखा 12/60, तो 3 से काटा, 3 × 12, 3 × 6, 4/20, तो ये तो और कट रहा ना, 4 एकम 4, 4 पंजे, अरे वो समझे, इसलिए सही एक्यूरेट उत्तर क्या आएगा, 1/5, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, 1/5 आएगा, क्या आएगा, 1/5। ये क्वेश्चन दे दो आपको, करेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन यहाँ चेंज कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने छठा, 24/72, कितना लिखा है, 24/72 का सरलतम रूप होगा, 1/3 आएगा, बी नंबर पे 1/2 लिखा है, सी नंबर पर 3/4 लिखा है, और डी नंबर पर लिखा 2/3। बताइए कौन सा 24/72 का जवाब आएगा, 6 नंबर डालेंगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर बताएंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 24/72 का कौन सा उत्तर होगा, 1/3, 1/2, 3/4, या फिर 2/3, ठीक है, जो भी ऑप्शन हो आप लिख कर बताएंगे। देखिए क्या लिखा मैंने, 1/2, क्या लिखा है, 1/2, और निशान क्या लगा रखा, बराबर, तो यहाँ बॉक्स में क्या आएगा और बटे में क्या लिखेगा, 10। जरा सोचिए आप क्या हो सकता है कि इसके बराबर हो जाए, क्या मैं 3 लिख दूं, 3/10 इसके बराबर दिख रहा, बताइए क्या होगा, क्या जवाब आएगा बताइए आप। 1/2 लिखा है, फिर बॉक्स बना रखा है और 10 लिख रखा है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वहां बैठ जाएगा, फिट अपना काम हो जाएगा, 1/2 के बराबर ये संख्या भी हो जाए, सी में क्या लिख रखा है, 5 लिख रखा है, तो यानी कि 5 एकम 5 × 10 क्या बराबर हो गया, है ना, आसान, 1/2 के बराबर क्या हो गया, 1/2, समझ में आ रहा ना, क्लियर। चलिए देखिए क्या लिखा है मैंने, 2/5 बराबर, या बॉक्स बना रखा है, बटे में कितना लिखा, 30 लिखा है, तो बताइए 3 लिखेंगे वहां पर, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, या 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा 6, क्या लिख रहे हैं, देखिए कैसे यहां पर किससे काटा इस, आपने 3 से काटा, तो कितना आएगा, गलत है,